आप देख सकते हैं कि सोनीपत के नेशनल हाईवे पर यहाँ कुंडली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और सड़क पर ही भोजन और चाय की तैयारी कर रहे हैं। किसान फिलहाल दिल्ली के बुराड़ी में जाने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर कुछ किसान अपने हाथों में तख्ती लेकर काले कानून वापस लो को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पंजाब से पहुँचे सिख किसानों का समर्थन करने के लिए अब दिल्ली से सिख किसान भी यहाँ पहुँच गए हैं और उनका कहना है कि जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं वह किसानों के हित में नहीं है और यहाँ पर यह किसान जो देश का पेट भरते हैं अब वह सड़क पर बैठकर अपना पेट भरने के लिए मजबूर है और किसान अगर बुराड़ी चले गए तो वह एक तरह से जेल में बंद हो जाएंगे, इसलिए वह बुराड़ी जाने के लिए भी तैयार नहीं है। आज क्या नाम आपका? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, मैं दिल्ली तो यहाँ बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर किसान जो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, आखिर दिल्ली में जो ये बुराड़ी में स्थान दिया है वहाँ कब पहुँचोगे, क्या फैसला हुआ? एक्चुअली हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, अगर हम बुराड़ी चले गए तो हम तो एक तरह की जेल में बंद हैं, हमको हमारा हक नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ रुके हुए हैं तो इनके कारोबार ठप किए हैं हमने, इनको प्रेशर डाला हुआ है हमके, अगर हमने प्रेशर डाला तभी हमको हक मिलेगा। अगर बुराड़ी चले गए तो हम ऐसे है कि पैलेस में शादी देखने जा रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ कब तक डटे रहेंगे? जब तक हमारा आंदोलन ये नहीं मानेंगे, इनको प्रेशर नहीं पड़ेगा, हमारे हक को नहीं समझेंगे, हम डटे रहेंगे। बहुत बढ़िया। इसका पेट वो भर रहा है, वो भूखा मर रहा है, कुछ कर रहा है, वो रोड पे आके बेचारा रोड पे रोटी खा रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड को रोटी खिला रहा है वो रोड पे आके रोटी खा रहा है, रोड पे सो रहा है, इनको इतनी शर्म नहीं आ रही, मैं यही कहना चाहता हूँ सर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।